नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नोलॉजी विद विवेक, जहां हम मोबाइल और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए काफ़ी सारे वीडियोस लेकर आते रहते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। आइए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं और जेमिनी की कुछ खास बातें बताते हैं आपको। दोस्तों, प्रॉम्प्ट कहा जाता है टेक्निकल भाषा में, यहाँ जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है उसको। आज हम इससे हिंदी में बात करके देखेंगे और आपको बताएंगे कि ये हिंदी में किस तरीके से बात करता है। मान लीजिए मैं इस तरीके से लिख देता हूँ, जेमिनी कैसे हो। तो अब देखते हैं इनका आंसर क्या आता है। ये देखिए दोस्तों, बता रहे हैं कि ये एक अभिवादन है जिसका उपयोग जो है किसी मित्र या परिचय से बातचीत शुरू करने के लिए किया जाता है। यह पूछने का तरीका होता है कि कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। इसको उन्होंने एक्सप्लेन भी किया है और मैं इनसे कुछ और पूछूंगा। मुझे एक फहमी साहब का शेर सुनाओ, ये मैंने प्रॉम्प्ट लिख दिया है। ये देखिए, फहमी साहब का शेर आ गया है। वफ़ा करने की नौबत आ गई है, अब इश्क की बातें तो पुरानी हो गई हैं। ये लिख कर दिया है ज़रूर। फहमी साहब के शेर तो बहुत मशहूर हैं, उनकी शायरी में इश्क, मोहब्बत और ज़िंदगी के कई पहलू बड़ा ही खूबसूरती से बयां किए गए हैं और ये उसमें जो है इसका मतलब भी निकाल के दे दिया गया है। अगर दोस्तों आपको लगता है कि मॉडिफ़ाई करना है तो आप एक बार फिर से क्लिक कीजिए, शॉर्टर, लॉन्गर, सिंपलर, क्विकर, जो भी आपको करना है। और ये मैं शॉर्ट पर क्लिक कर देता हूँ। तो ये देखिए, ज़रूर मैं आपकी बात मानता हूँ, फहमी साहब का एक शेर है और किस तरह से शेर को सुनना पसंद करेंगे ये नीचे इन्होंने इस तरीके से लिख दिया है। और भी बातें आप पूछ सकते हैं, आप कह सकते हैं कि मुझे 10 प्रश्न बना कर दो, साथ में उत्तर भी लिख कर देना। खेलों के ऊपर, मान लीजिए मैंने सब्जेक्ट भी स्पेसिफिक कर दिया है और देखते हैं क्या ये लिखकर दिखाता है हिंदी में। खेलों पर आधारित 10 प्रश्न और उनके उत्तर, खेलों में हमारे जीवन का क्या महत्व है, उत्तर आ गया है। ओलंपिक खेलों का इतिहास क्या है, भारत के राष्ट्रीय खेल कौन से हैं, खेलों में डोपिंग क्या है, भारत में कौन कौन से प्रमुख खेल खेले जाते हैं। ये इस तरीके से देखिए 10 आपको लिखकर बता दिए हैं। और ये इस तरीके से आप कुछ भी पूछ सकते हैं, आज शेयर बाज़ार नीचे क्यों गया, देखते हैं इसका उत्तर क्या बताएगा ये। शेयर बाज़ार एक जटिल तंत्र है, इसे उतार चढ़ाव आना सामान्य बात है। आज शेयर बाज़ार के नीचे जाने के कई कारण हो सकते हैं, जिसमें से कुछ ये आगे हैं। आर्थिक संकेत, मुद्रास्फीति, बेरोजगारी दर, जीडीपी वृद्धि, भू राजनीतिक घटनाएं, कंपनी विशिष्ट कारण, मनोवैज्ञानिक कारक। नीचे जाने के सटीक कारण जानने के लिए आपको निम्नलिखित स्रोतों का सहारा लेना चाहिए, वित्तीय समाचार, ब्रोकरेज कर्मों के विश्लेषक। ये आपको दोस्तों इस तरीके से दे दिया है। और भी आप कई सारी बातें जो है जेमिनी से पूछ सकते हैं और जेमिनी को हिंदी में भी चला सकते हैं। इसको बड़ा एक्यूरेट बनाया गया है और ये बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है। इसको आप अपने प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग जो जो आप पूछना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं, आपके काफ़ी ज़्यादा ये काम आ सकता है। जेमिनी का यूज़ करके देखिए। और एक ही सलाह देना चाहेंगे कि इसको अच्छे टर्म में यूज़ कीजिए, अच्छे कामों में यूज़ कीजिए, AI आपके बहुत काम आएगी। दोस्तों, इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, परिवार में, और लोगों को भी बताइए। कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं आपको वीडियो कैसा लगा। कोई प्रॉम्प्ट, अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप कमेंट में टाइप कर दीजिए, हम उसका प्रॉम्प्ट बनाकर जो है जेमिनी से पूछकर ज़रूर बताएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। थैंक यू।